हेलो बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए दूसरी वीडियो भी अपलोड करूंगा, उसमें क्या करूंगा, आपके 25 प्लस क्वेश्चंस और लाऊंगा, ठीक है। तो आज मैं वो वीडियो लेके आया हूं। तो मैंने कहा था कि मैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस दूंगा, तो 50 क्वेश्चंस ये रहे, 25 पहले हो गए फर्स्ट पार्ट में, 25 इस वाले पार्ट में हो गए, ठीक है। आई होप आपने वाले क्वेश्चंस कर लिए हो, ठीक। तो ये भी करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं अपने, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का आपको ब्रेक डाउन करना है, ये आपका 3 पाथ में फॉलो करता है। ये आपका एनसीईआरटी की बुक में 153 के आसपास कोई पेज नंबर है, उसमें उसका डायग्राम लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में किस वजह से आ सकता है, 3 पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन, ठीक है। एक तो होता है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, 3 तरीके से आपका इसका ब्रेक डाउन होगा। ये आपका 100% पेपर में आने की संभावना है। दूसरा, व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या है और मेंशन इट सिग्निफिकेंस, 101% आपका पेपर में आएगा ही आएगा। अगला आता है हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन एमीबा, एमीबा कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो आपको एक तो उसके बारे में लिखना है, एक तो सुडोपोरोसिस देना है, ठीक है, सुडोपोरोसिस देना है, और आपको एक क्या देना है उसके अंदर डायग्राम देना है उसका, ठीक है। आप ये वाले क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लें। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ ट्रीज, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ शूट्स टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, 100% पेपर में आने के चांसेस है। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी सर्किट के बारे में बताना है और ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सोलेनोइड, ये आपका आ सकता है, सोलेनोइड का डायग्राम बनाने को आ सकता है, ये 1% नहीं आ सकता, ठीक है। अगला, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड रिफाइनिंग, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अगला आता है लिस्ट 3 इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में 3 ऑक्सीडेशन इफेक्ट कौन कौन से देखते हैं उनके बारे में बताना है, और वो हमारे लिए हार्मफुल है या यूजफुल है, ये आपको बताना है उसके लिए। अगला आता है एक्सप्लेन कोरिजन विद द एग्जाम्पल एंड हाउ टू प्रोटेक्ट, कोरिजन क्या है और उसका एग्जाम्पल देना है और उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे पेंट कर दिया उस पे ग्रीस लगा दिया, ठीक है। 100% तो नहीं कह सकते, 90% आने के चांसेस है। अगला, डायग्राम ऑफ हर्ट, 101% आएगा डायग्राम ऑफ हर्ट एंड गिव द फंक्शन ऑफ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर के बारे में आपको उसका वर्किंग देनी है। अगला आता है डबल सर्कुलेशन क्या है, 101% है आपका पेपर में, ठीक है, 100% आपका डबल सर्कुलेशन। दूसरा क्या है, ऑल्सो फंक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड के फंक्शन लिखने की, ब्लड हमारे लिए क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर करता है, ठीक है, मेंटेन करता है, बैक्टीरिया से हमें बचाता है, आपको ऐसे वहां पर फंक्शंस देने हैं। फिर अगला आता है डिफरेंस बिटवीन द सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशंस, ऐसे भी आ सकता है न्यूमेरिकल के लिए, डिफरेंस बिटवीन द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस एंड होलोजोइक न्यूट्रिशंस, इनके बारे में देना है। फिर आता है अगला, व्हाट इज द बायोगैस एंड हाउ कैन बायोगैस बी ऑब्टेन, बायोगैस क्या है और उसे हम कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं, इसका 90% आने के चांसेस है, अगर आए तो आप इसका क्या करें, डायग्राम भी जरूर बना के। अगला, व्हाट आर द डिफरेंस मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शंस, 101% आने के चांसेस है, 3 तरीके हैं आपके कोर्स में, आप अच्छे से पढ़े उनको और उनके बारे में यहाँ पर लिखें। अगला आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द रीजनरेशन ऑफ द प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के बारे में बताना, आपको यहाँ पे प्लेनेरिया को डिफाइन भी करना है, यानी उसको ब्रेक करके भी आपको ऐसे दिखाना है 2 हिस्सों में, या यहीं पे हम इसको 3 हिस्सों में तोड़ देंगे ऐसे, और फिर इससे क्या होगा, आपका 3 नई बॉडी का फॉर्मेशन होगा ऐसे ऐसे, आप लोग फिगर अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। मैंने रफली बना के दिखा दी, ये है प्लेन एरिया, ठीक है, प्लेन एरिया, ये फिगर इसकी यहां पर बनेगी, ठीक है। अगला, व्हाट इज द रीजनरेटिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड एडवांटेज, ये दोनों न्यूमेरिकल, दोनों को हिसाब के क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर व्हाई डज द सन अपीयर रेड इज अर्ली इन द मॉर्निंग, सूरज सुबह के टाइम हमें लाल क्यों दिखाई देता है, ये बताना है आपको। व्हाट इज द मेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, 101% पेपर में आएगा ही आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, और इसके साथ डिस्पर्जन ऑफ लाइट के साथ आपका क्या आएगा, प्रिज्म का डायग्राम आएगा, ठीक है।
व्यूअर में आपको चेंज करके दिखाना है उसमें कैसे वर्किंग करता है। अगला, व्हाट इज द ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ओजोन क्या है और हमारे इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करना है। ओजोन में आप क्या लिखेंगे, इसकी रिएक्शन करके देंगे, O+O2O3, ऐसे आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन देंगे ओजोन की, और वो कैसे हमारे सिस्टम को, इकोसिस्टम को कैसे कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा है। व्हाट इज द चिपको मूवमेंट, आ सकता है 100% आ सकता है, ठीक है, कई साल से नहीं आया, इस बार आने के चांसेस रहा है। और दूसरा क्या है, रोल, कि हम चिपको मूवमेंट का रोल क्या था। कंजप्शन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे कंजप्शन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे कम कर सकते हैं, हम क्या करें, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करें, वुड का इस्तेमाल करें, कम करें, ठीक है, पेपर वेस्ट ना करें, थोड़ी दूर जाने में बाइक पर ना जाएं, हम क्या करें, पैदल ट्रैवल करें, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे आपको लिखने हैं उसमें। फिर डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर डिफरेंस बिटवीन द होमोलोजक और एनालोगस ऑर्गन, दोनों के बारे में बताना है। और फिर इसमें क्वेश्चन बनता है, इन विच द कैटेगरी वुड यू प्लेस बींग ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, आप बर्ड्स को और बैट्स को किसके अंदर रखेंगे, होमोलोगस या एनालोगस ऑर्गन के अंदर उसको डिस्क्राइब करना है। अगला आता है, व्हाट आर द ईस्टर्स, ईस्टर क्या है, एक स्वीट स्मेल फ्रेग्रेंस प्रोवाइड कराने वाली चीज होती है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एस्टिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन सोप के लिए, एस्टिफिकेशन आपका एक स्वीट स्मेल प्रोवाइड कराने वाली चीज है। व्हाट आर द फॉसिल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं, जो हमें एंशिएंट टाइम में प्राप्त होते हैं। और दूसरा क्या है, थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के तीन फीचर्स बताने जिससे हम किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं, तरीके, एक तरीके से। व्हाई हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ विद सॉप, जो हार्ड वाटर होता है वो कपड़ों को साबुन के साथ क्यों साफ नहीं कर पाता, ये आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए, ठीक है, इनके आंसर आपके पास मिल जाएंगे, नहीं मिल, जिसका आंसर नहीं मिलता आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर इनका आंसर, मतलब इनके लिए बताया कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं क्या करूँगा, आपको इनका आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और क्या करें, ये क्वेश्चन आपको क्या करने, अच्छे से करने हैं। इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूँगा मैं, उसमें क्या करूँगा, मैं न्यूमेरिकल दूंगा आपको, 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल दूंगा, जो 101% आपके पेपर में मिलने मिलने हैं, ठीक है। चार प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं, वही आपको करने हैं, और उन्हीं के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल वहाँ पर पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जितने आप ये क्या करें, 50 क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करें। थैंक यू।